मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस है और लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब मेरे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि न्यूट्रिशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए उसके लिए? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन भी पढ़ा जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो जस्ट न्यूट्रिशन का उल्टा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। जब तक ऑक्सीजन जो है वह हमारे फूड से कंबाइन नहीं करेगा, तब तक हम लोग कितना भी भोजन कर ले, एनर्जी की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो, कभी नहीं होगी। सो आप देखते हुइएगा क्या कि हमेशा शुरू से ही पढ़ते आइए हुइएगा कि कोई भी चीज जब जलती है, कोई भी सब्सटेंस जब बर्न करती है, तो उसको जलाने का, उसको कैटलिस्ट का काम कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन करता है। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में, इस एनवायरनमेंट में नहीं जल सकती है। बच्चों, जब कोई चीज जलेगी तभी एनर्जी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। आप पहले देखते होइएगा कि गांव घर में लोग लकड़ी पर खाना पकाते थे, तो लकड़ी को जलाने के लिए आग की आवश्यकता होती थी, तो माचिस से जलाते थे, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होता था तो लकड़ी जलती थी। क्लियर? अब जब लकड़ी जल रही है तो उससे हीट और लाइट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट इज हीट? और उस हीट से क्या होती है, हमारा भोजन पकता है कि नहीं पकता है? तो हीट क्या हुआ? एनर्जी हुआ। क्लियर? बात समझ में आई? तो अब गैस आ गया है, तो गैस में भी क्या हो, एलपीजी भी गैस में भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता होनी चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं जलेगा तो एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोग जब भोजन करते हैं और जब ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? हम लोग डेथ कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट यह होगा कि हम लोगों के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को ऑक्सीजन लेना, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि वह ऑक्सीजन जाकर फूड के साथ कंबाइन करता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके वह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और बदले में एनर्जी देता है। एनर्जी भी क्या है बच्चों? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। एनर्जी इज आल्सो आवर वेस्ट प्रोडक्ट बट इट इज यूजफुल फॉर अस, सो वी कॉल यूजफुल प्रोडक्ट। वेस्ट और यूजफुल में क्या है कि जो हमारे काम की चीज होती है उसको हम लोग यूजफुल मानते हैं और जो हमारे काम की चीज नहीं होती है उसको हम लोग वेस्ट मानते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देख लीजिए, जैसे नॉइज का ही देख लीजिए कि एक होता है प्लीजेंट साउंड और दूसरा होता है अनप्लीजेंट साउंड। तो प्लीजेंट साउंड हमको अच्छी लगती है तो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन अनप्लीजेंट वही म्यूजिक अगर लाउड वॉइस में हो, जैसे कि मेरी आवाज जा रही है लाउड वॉइस में, तो कानों को अच्छी नहीं लगेगी। दैट इज कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड एंड दैट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों, अब देखिए, तो एनर्जी भी क्या है? आपका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग अब एनर्जी को आप मार्केट में यूज कीजिए, वेस्ट हो गया। इसी को आप पढ़ाई में खर्च कीजिए, अच्छे काम में खर्च कीजिए, क्या हुआ? यूजफुल होगा। क्लियर? तो अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, केमिस्ट्री में पढ़ते होइएगा ऑक्सीडेशन, कि जब किसी चीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड, किसका ब्रेकडाउन होना? भोजन का ब्रेकडाउन होना।
क्लियर। जैसे मैं ग्लूकोज का और उसके बदले में क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या किया था, भोजन लिया था ना, तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में तो भोजन ले लिया, अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या है कि हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वही ऑक्सीजन क्या कर रहा है, फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों यहां पर दो तरह के रेस्पिरेशन आए हैं, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि वैसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन फुल मात्रा में प्रेजेंस हो, यानी कि वैसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहेंगे बच्चों, कि वैसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, या ऑक्सीजन पार्शियली इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो या बिल्कुल ना हो, उस रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। सिंपल भाषा में एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि दो रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी भाषा में एनएरोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे कि दैट रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम लोग यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बच्चों यहां पर दिया हुआ है, आई होप आप लोग इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अब है कि अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों को क्या करना है, समझना है, क्या करना है, समझना है। तो मैं अब एरोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से यहां पर जल्दी जल्दी में मैं आपको समझा रहा हूं, और हमारा टॉपिक अब क्या आ गया, रेस्पिरेशन तो है ही, लेकिन बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग जान रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। तो बच्चों न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या लिया था, फूड लिया था, हमारा सेल फूड एब्जॉर्ब कर लिया था, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन जाएगी कि नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं। अब ऑक्सीजन का मिलन हुआ भोजन से। अब मैंने शुरू में ही बताया है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, कि किसी चीज को जला देना, जलाने में हेल्प करना, तोड़ने में हेल्प करना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फूड को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्लियर। फूड को क्या करेगा बच्चों, तोड़ेगा। तो फूड को जब तोड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉरी हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, वाटर। प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी, क्लियर। तो हमारा भोजन किस रूप में था, ग्लूकोज के रूप में था ना, ये तो बच्चा वाला हो गया, ग्लूकोज के रूप में था। तो अब हम लोग यहाँ, ये तो फूड आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग फूड को हटाकर क्या करेंगे, ग्लूकोज लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्लूकोज लिख देंगे, क्लियर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6, क्लियर।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर। अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप लोग खुद से बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। एरो साइन है, एरो नहीं है। बताइए आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO2, CO2 होगा। हाँ होगा तो होगा, CO2 हुआ। वाटर का फॉर्मूला नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, H2O होता है। एनर्जी बताइए, कौन बताएगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, जवाब दीजिए, सोचिए सोचिए, मन में सोचिए। तो अब एनर्जी को हम लोग यहाँ एनर्जी नहीं बोलेंगे बच्चों, एनर्जी को हम लोग ATP बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ATP, ATP। अब यह ATP क्या है? तो यह ATP का फुल फॉर्म होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितना फॉस्फेट? तो 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल। एनर्जी कितना में प्रोड्यूस होती है? तो 38 ATP में प्रोड्यूस होती है। क्लियर, बात समझ में आई? अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो क्या कर सकते हैं? ये हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइंड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी क्या होते हैं बच्चों? प्रोड्यूस होते हैं। ये बात समझ में आए? तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन क्या है? मौजूद है। इसी को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर। अब है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में ऑक्सीजन का प्रेजेंस था, एनएरोबिक में ऑक्सीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। और इनकम्प्लीटली एब्सेंट होगा, कंप्लीटली एब्सेंट होगा। और ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ब्रेक करेगा, ग्लूकोज पूरा ब्रेक करेगा ही नहीं। तो जब फूड पूरा ब्रेक नहीं किया, एनर्जी देगा क्या? एनर्जी नहीं ना देगा। अगर लकड़ी जल रही है, लकड़ी भीगी हुई है, लकड़ी पूरा नहीं जलेगी तो आग देगी क्या? एनर्जी देगी क्या? नहीं देगी। तो ग्लूकोज कंप्लीटली वे में जलेगा ही नहीं, तो एनर्जी देगा क्या? बिल्कुल नहीं, एनर्जी नहीं देता है। क्लियर। तो बहुत कम एनर्जी देता है और क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसमें किसमें होता है? या तो इन यीस्ट में होता है। किसमें होता है? इन यीस्ट में। तो क्या मौजूद है? C6H12O6 मौजूद है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन थोड़े है, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? C2H5OH। क्लियर। और क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी। क्लियर। क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP ऑफ एनर्जी। ये क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये यीस्ट में होगा। क्लियर। और इन ह्यूमन मसल। अब आप देखते हुए क्या कि आप बैठे हुए घर पर और अचानक खेलने चले गए, खूब खेले, तो आपके बदन में दर्द होती है ना? यानी कि जब ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए था, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपको बदन में दर्द होने लगी, यानी कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोज टूटा नहीं। तो वहां पर क्या था? C6H12O6 क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? C2H6 एंड दूसरा है O प्लस CO2 प्लस 2 ATP। क्लियर, बात समझ रहे हैं ना? क्या प्रोड्यूस करेगा?
ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। क्लियर, समझ में आए? तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक एरोबिक और एनएरोबिक खत्म हुआ, तब तक अगले क्लास में फिर मिलते हैं।